बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फ्रॉम क्लास 10th। द टॉपिक नेम इज़ एनर्जी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक ऑफ एनर्जी जो है वो हमारा है वर्क और एनर्जी, कि वर्क एंड एनर्जी जो है इन दोनों का क्या मतलब है और ये दोनों क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? बेसिकली इट्स द एबिलिटी टू डू सम वर्क, कि कोई काम करने की बॉडी के अंदर जो सलाहियत होती है हम उसको एनर्जी कहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम करना है, कोई पत्थर को उठाना है तो हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो फोर्स क्या होती है? वो एबिलिटी होती है किसी भी जिस्म की कि वो कोई काम कर सकता है। तो बेसिकली एनर्जी का मतलब क्या है कि किसी भी जिस्म के अंदर जो काम करने की एबिलिटी और जो उसकी सलाहियत होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी जो है वो किसी एक तरह की नहीं होती, इसकी डिफरेंट अशकाल होती हैं। वो डिपेंड करती हैं कि एनर्जी किस सोर्स से आ रही है, या तो वो सन से आ रही है तो मतलब कि वो हरकत की वजह से आ रही है, और कुछ एनर्जी जो है वो उसकी पोजीशन की वजह से होती है। मींस के इसके डिफरेंट अशकाल हैं जो कि एक से दूसरी शक्ल में भी चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक टाइप की एनर्जी है जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जिससे हम जो है अपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को चलाते हैं, डिफरेंट मशीन्स को चलाते हैं। इसके अलावा सन की एनर्जी है, जिसको हम सोलर पावर एनर्जी बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो है एनर्जी की जो है डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वर्क। वर्क का मतलब है कि काम, कि फिजिक्स में और साइंस में वर्क, बाकी हम जो वर्क है हम उसके दरमियान में एक मेजर डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, एक जो है वो लेबरर है, फॉर एग्जांपल वो एक मजदूर है। वर्क की मैं आपको बता रही हूँ एग्जांपल, कि एक जो है पर्सन है वो ऑफिशियल वर्क कर रहा है, एक ऑफिस में बैठ के जो है वो पेपर वर्क कर रहा है, और जो दूसरा इंसान है वो एक लेबरर है। वो जो लेबरर मतलब वो एक मजदूर है, तो उसका काम क्या है कि ईंटों को उठाकर जो है वो उसने छत पे लेके जाना है। तो मतलब देखने में तो दोनों बोथ आर इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग, कि एक पेपर वर्क कर रहा है, दूसरा क्या है वो चीज़ों को लोड को उठा के लेके जा रहा है। लेकिन फिजिक्स इन दोनों चीज़ों को जो है वो वर्क का नाम नहीं देती। वर्क की डेफिनेशन है कि हम एक पे फोर्स लगाएंगे किसी भी जिस्म पे, मतलब हम उस चीज़ के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहे हैं, प्लस उस फोर्स की वजह से उसके दरमियान में जो है कोई फासला तय कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ एक जगह पर पड़ी हुई है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद उस चीज़ के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस हुई। मूवमेंट वो है कि जिस साइड पर हम फोर्स लगाते हैं मूवमेंट भी हमेशा उसी सिम्त में, फोर्स के सिम्त में तय करता फासला। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग और साइंस के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन क्या होगी कि बाय प्रोडक्ट है, ये इसका प्रोडक्ट है फोर्स एंड द फोर्स के टूवर्ड्स जो है उसका डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि जो इंसान जो है जो ऑफिस वर्क कर रहा है वो वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। वो जस्ट फोर्स लगा रहा है पेन पे और पेन ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। लेकिन जो एक लेबरर है उसका फोर्स भी वो लगा रहा है ईंटों को उठाने में, और सेकंड ये कि उसने एक डिस्टेंस कवर किया। सो फोर्स और डिस्टेंस दोनों जब प्रेजेंट होती हैं तो हम उसको इज इक्वल टू वर्क कहते हैं। फोर्स का जो ऐसे यूनिट है जो कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में हम यूज़ करते हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं। और जो डिस्टेंस है वो हमें पता है, डिस्टेंस को हम लोग जो है मैयर करते हैं मीटर में। तो ये जब हम मीटर को और न्यूटन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो न्यूटन मीटर बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं जाउल। सो वर्क का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? जाउल होता है। तो एनर्जी और वर्क जो है दोनों बेसिकली एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि काम और यहाँ पर भी फोर्स, काम करने की सलाहियत और यहाँ पर भी जो फोर्स है वो भी काम करने की सलाहियत है। तो मतलब ये जो काम और वर्क है ये दोनों, एनर्जी और वर्क दोनों आपस में इंटररिलेटेड होते हैं। इसलिए इनके इंटररिलेशन की वजह से इनका यूनिट जो है वो भी सेम है, जो हमेशा हमेशा जॉल होता है, इसको हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं। एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हम लोगों ने इसमें 7 to 8 मेजर टाइप्स हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम इसकी 3 बेसिक टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी, सेकंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड वन इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब डिफरेंट टाइप्स क्यों हैं? क्योंकि इसके बेसिस जो हैं वो डिफरेंस होती हैं। जहाँ से एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसका जो सोर्स होता है, उस सोर्स पे डिपेंड करते हुए एनर्जी को डिफरेंट काइंड्स में, उसके डिफरेंट अशकाल में उसको क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी वो है जो किसी भी बॉडी के अंदर उसकी मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है, मतलब हरकत की वजह से आती है। काइनेटिक का मतलब ही होता है मूवमेंट या मोशन। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर एनर्जी जो है उसकी ड्यू टू मोशन होती है या ऑन ड्यू मूवमेंट है, उसके अंदर जो एनर्जी हम उसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये एक जो है मैन है, ही इज़ गोइंग टू किक आउट अ बॉल, मतलब एक बॉल को किक आउट करें, किक आउट करने की वजह से बॉल ने अपनी जगह से मूवमेंट शो की। अब फॉर एग्जाम्पल एनर्जी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने किक आउट किया अपने फुट के साथ, फुट ने उस पर फोर्स लगाई, फोर्स ने उसके दरमियान में जो है वो डिस्टेंस को प्रोड्यूस किया। तो फोर्स और डिस्टेंस की वजह से हम इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया? एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, मतलब उनके अंदर जो है वर्किंग एबिलिटी प्रोड्यूस हो गई है। उस वर्किंग एबिलिटी की वजह से इसने मूवमेंट शो की। तो इसकी मूवमेंट की वजह से इसके बॉल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस हुई, मतलब मूवमेंट हुई
ये बॉल के अंदर, बॉल के अंदर मूवमेंट की वजह से उसकी टाइप ऑफ एनर्जी है उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब होता है कि उसके अंदर एबिलिटी है। पोटेंशियल का बेसिकली ये जो एनर्जी है ये किसी चीज़ की पोजीशन की वजह से आती है। पोजीशन का मतलब है उसकी हाइट। हाइट जब कोई चीज़ एक ज़मीन पर पड़ी होती है लाइंग ऑन द ग्राउंड इट हैज़ नो एबिलिटी टू डू वर्क, तो उसके अंदर जो वर्किंग एबिलिटी होती है वो जीरो होती है। लेकिन जब उसी ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टोन, इफ वी हाइटेड इट मीन्स कि हम इसको उठाकर हाइटेड पे ले जाएंगे किसी एयर में, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो इसके अंदर जो क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो एक एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी कौन सी है, ये ज़मीन पर पड़ा हुआ था पहले यहाँ पर नीचे, लेकिन इसको ऊपर ले जाने के बाद इसके अंदर जो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो इसके मुखालिफ हमें इस पर जो फोर्स लगाई वो फोर्स इसके अंदर स्टोर होगी एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब चूँकि ये क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हुई इसलिए पोजीशन की वजह से हम इसे क्या नेम देंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी का। तो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो दिस हैंड एंड व्हेन द बॉल इज हिटिंग इट मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सो इट इज मूविंग। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एरोप्लेन विच इज मूविंग अपवर्ड एंड अ कार विच इज ऑन द रोड, बोथ आर मूविंग सो दे हैव द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट वन इज द एनर्जी विच इज द ड्यू टू रनिंग एंड द वॉकिंग। सो जब हम रनिंग करते हैं और जब हम वॉकिंग चलते हैं तो हमारी मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट की वजह से बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी है। सो कार में और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी रनिंग में और जो है हमारी नॉर्मल जो वॉकिंग होती है दोनों के दरमियान में जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। और नेक्स्ट वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी इस वीडियो के अंदर क्लियर है। इट शोज दैट व्हेन वी हाइटेड अ बॉल एट अ पॉइंट मीन्स हमने उसको अपने हैंड के साथ उसको एक पॉइंट पे ले लिया और इसके अंदर उसके टाइम पे एनर्जी जीरो थी, बट नीचे जब आया उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसके अंदर स्टोर थी, फिर वो उसकी मूवमेंट की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर बहुत हाइटेड थी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है कि उसकी हाइट कितनी है, मास की और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसकी जो है वो उसके डिपेंडिंग करती है, उसका मास कितना है और उसकी हाइट कितनी है। जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का, जितनी हाइट होगी उतना उसका ज़्यादा जो है वो उसके अंदर उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और जब जो बॉडी जो है वो नीचे हाइट से नीचे ज़मीन के ऊपर गिर जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जिनकी पोजीशन उसकी जीरो होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक ऐसी टाइप एनर्जी की जो कि हमारे इलास्टिक मटेरियल्स के अंदर होती है। इलास्टिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, वो कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि बोथ साइड्स पे जब हम पुशअप करते हैं या इसको एक्सपैंड करते हैं तो या तो एक्सपैंड करने से उनमें एक्सपेंशन हो जाती है या कंप्रेस करने से उनके अंदर कंप्रेशन होकर वो एक दूसरे के दबकर पास हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ अ स्प्रिंग। इसके अंदर एग्जाम्पल जब वो रबर बैंड भी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बोथ साइड्स को लेफ्ट एंड राइट उसको कंप्रेस करते हैं तो इसका साइज कम हो जाता है। साइज कम होने का मतलब क्या है कि इसके जो इसके अंदर जो है एनर्जी जो वो इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। व्हेन वी रिमूव द फोर्स, जब हम इस फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो ये दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन में बैकवर्ड साइड पे चला जाता है। जस्ट लाइक दैट रबर बैंड की भी यही एग्जांपल है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो अबाउट, सो दिस इज द स्प्रिंग एंड अ रबर बैंड विच शोज दैट बोथ आर द कंप्रेसिबल मटीरियल्स, ड्यू टू कंप्रेशन बोथ हैव द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। When we compress the spring on both side left and right or up and down it compresses and it stores an energy which is in the form of elastic potential energy, but we expand the spring the elastic energy releases and it also expands in the more position and it requires more position, but when it this shows that both the hands are expanding and it also stores energy, but when we release it goes into the initial position. Next is the example of a rubber band. Rubber band is also an elastic material. When we stretch the rubber band, it also stores elastic potential energy. But when we remove the forces of our hands, it goes into its initial. Next is an example of bow and arrow. When we this is also an elastic material because the bow is made up of elastic material, rubber band. So when we stretch it, it stores its elastic potential energy, and after releasing the force, it goes into the bow. Hopefully, this lecture will be clear to everyone. Thank you.